हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बिट 6। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो तो पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, यस इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और उसके बाद हम चेक करेंगे जो वेरिएबल को जो पावर है वो सीरियल वाइज नंबर के है, 2 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5x+2। ओके, फिर यहाँ पर लिखेंगे 20x² - 32x - 16। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या करनी है, देखो पहले हम डिवाइजर लिख लेते हैं 5x+2। मुझे क्या चाहिए, मुझे 20x² चाहिए, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा 5x से, यहाँ पर क्या होगा तो 4x ही होगा। देखो 5 और 5 × 4 20x² हो गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो, कितना 20x² प्लस कितना हो जाएगा 8x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 4x, यहाँ पर हमने 5x+2 में क्या मल्टीप्लाई किया 4x, तो क्या आया इतना आया, इतना पहला 20x² यहाँ पर लिखो x² के नीचे, फिर 8x के नीचे लिखेंगे हम प्लस 8x। ओके, सॉल्व करिए, हो गया आपका नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव ये कट गया। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा -40x होगा। ओके, फिर -16 उतरेगा, फिर से डिवाइजर लिखो 5x+2। ओके, क्या मल्टीप्लाई करेंगे -40x आ जाए, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है -8 कर देंगे हम, तो -40x आ ही गया। देखो इसको -8 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है -40x, फिर ये माइनस हो जाएगा ना ब्रैकेट खुलेगा, तो इसको सॉल्व करो पूरा, -40x - 16 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया -8 मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर माइनस देखो x के नीचे x, ये आपका -16, सॉल्व करो, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये कटा और ये भी कटा, ये रिमाइंडर आपका यहाँ पर 0। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन निकला 4x - 8 और हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0। तो हम यहाँ बोल सकते हैं यस 5x+2 इज फैक्टर ऑफ 20x² - 32x - 16। ओके, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अब। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में वैसा ही है, सॉल्व करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, 4a - 1, ये आपका 12a² - 7a - 2। क्या करें, 12a² मुझे चाहिए, तो क्या करें, यहाँ पर करते हैं डिवाइजर लिख लो 4a - 1, क्या मल्टीप्लाई करके 12a² आ जाए, तो इसमें 3 करेंगे, 4 × 3 = 12, फिर a, 3a कर लो, तो करो सॉल्व, इसको पूरा सॉल्व करो। अब ये कितना हो गया 12a² हो गया -3a हो गया, तो मैंने 4a - 1 में क्या मल्टीप्लाई किया 3a किया, तो जो भी यहाँ पर आया यहाँ पर लिखो 12a² - 3a, a के नीचे लिखेंगे हम, सॉल्व करो, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये कटा, -7 + 3 कितना हो जाएगा 7 -4a होगा, -4a - 2। तो अब फिर से डिवाइजर लिखो 4a - 1, क्या मल्टीप्लाई करके -4a आ जाए, तो इसमें सिर्फ हम क्या करें? करेंगे -1 करने से कितना हो जाएगा ये, तो -4a और यहाँ पर +1 होगा, तो हमने यहाँ पर क्या -1 किया, तो यहाँ पर कितना आएगा पहला, इसको मैं इसको हमेशा करिए हमेशा कटेगा +1, सॉल्व करो, ये आपका हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया नेगेटिव, ये कटा और ये -3 होगा यहाँ पर रिमाइंडर। तो हमारा बच्चों क्वेश्चन क्या आया 3a - 1 और रिमाइंडर हमारा आया -3 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म। अब 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, बस इसको सिर्फ चेंज कर दो, 6x³ + 19x² + 13x, ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा। ओके, एक नंबर के सामने दो साइन तो नहीं रहेंगे ना, इसको मेक इट वन साइन, तो इतना है हमारा क्वेश्चन 2x + 3, ये ठीक है हमारा। ओके, ये करेक्ट है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, लिख दो यहाँ पर 2x + 3, यहाँ पर डिवाइजर 6x³ + 19x² + 13x - 3। ओके, वही सेम चीज़ें, देखो क्या है डिवाइजर, क्या है आपका 2x + 3 है, पहला क्या है हमारा, मुझे 6x³ लाना है, क्या मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर 3 करो, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 3x करते हैं, 3x² करो, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6x³
प्लस 3 3 9 9 एक्स स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ हमने क्या किया, 3 एक्स स्क्वायर किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये तो कट जाएगा आपका। 19 से 9 का कितना हुआ, 10 ही होगा, तो 10 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स, जो भी है साइड में उसको लिख दो। यहाँ पर फिर से मेरा यहाँ पर देखो डिवाइजर लिखो, 2x प्लस 3, क्या मल्टीप्लाई करके 10 एक्स स्क्वायर आ जाए पहला 2x में ना, 5x करने से हो जाएगा आपका काम, 10 देखो 10 एक्स स्क्वायर आ गया। पूरा सॉल्व करो, ये कितना 15x होगा। तो हमने यहाँ पर +5x किया, तो कितना आया यहाँ पर, 10 एक्स स्क्वायर प्लस 15x। सॉल्व करो, ये होगा आपका नेगेटिव, यहाँ पर होगा नेगेटिव, ये कटा, -2x -3 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करें, 2x प्लस 3 है हमारा डिवाइज़र, क्या करें कि -2x आ जाए हमारा, तो -1 करेंगे तभी ना आएगा, तो -2x -3। तो हमने यहाँ पर क्या किया, -1 किया, तो यहाँ पर -2x -3 करो, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये कटा, ये भी आपका -3 प्लस 3, ये भी कटा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आपका, ओके, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आया, 0। क्लियर है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, और हमारा रिमाइंडर 0। पिछले वीडियो मैंने यहाँ पर पिछले पेज में यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, आप लिख दो यहाँ पर, हियर 4a माइनस नो, यहाँ पर नो लिखो, नो 4a माइनस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 12a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2। और यहाँ पर लिखोगे क्या, यस 2x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ 6x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3। ओके, क्लियर है सब। चलो तो बच्चों, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म होता है और 8 ख़त्म होता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के सारे बिट्स ख़त्म है यहाँ पर होके। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में देखो, ब्रेन टीजर तो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम ब्रेन टीजर ही स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में तो नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ब्रेन टीजर। अब जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ओके, तो बहुत ही जल्दी हमारा बुक भी आपका मैथ्स बुक ख़त्म होने वाला है, टाइम लगेगा, बस इस ईयर के एंड में ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर तक मैं अपना 100% दे रहा हूँ ख़त्म कर दूँ, उससे पहले भी हो सकता है, बट डेडलाइन मैंने रखा है दिसंबर का एंड। ओके, तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ब्रेन टीजर के लिए सब रेडी रहना, जितने भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सारी वीडियो देखा करो, इंट्रोडक्शन के, चलो एक्सरसाइज के वीडियो स्किप कर दो चलेगा, बट इंट्रोडक्शन का स्किप नहीं करना है आपको। ओके, इंट्रोडक्शन के वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, अब अदर वीडियो चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।